ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लाइन हम हर जगह सुनते और पढ़ते रहते हैं, फिर चाहे वो फिल्म शुरू होने से पहले वाला डिस्क्लेमर हो या बस में पैसेंजर्स को हिदायतें। टाइम टाइम पर हमें शराब से दूर रहने का मैसेज दिया गया है, क्योंकि अल्कोहल वो स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को दीमक की तरह चाट चाट कर खत्म कर देता है। आपको बाबू भैया को डायलॉग तो याद ही होगा कि दारू में मेरे बाप का गैरेज चला गया, सारी प्रॉपर्टी चली गई, मेरा बाप खुद चला गया। चाहे उस वक्त ये केवल कॉमेडी लग रहा हो, लेकिन इस डायलॉग में एक डीप मैसेज और दर्द छुपा है। जिसने भी दारू का नशा किया है उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, और जिसे एक बार ये बुरी आदत लग जाए फिर उसका करियर तबाह करके ही मानती है। क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे कई नामी खिलाड़ी आए जिनमें टैलेंट तो कूट कूट करके भरा ही था, लेकिन साथ ही ये बुरी आदत भी थी जिसने उनके करियर को काफी प्रभावित किया। आज की इस नई वीडियो में हम आपको ऐसे ही पियक्कड़ क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी शराब की लत की वजह से काफी सफर किया। माउंटी पानेसर इंग्लैंड के सबसे उपयोगी स्पिनर थे। जब एशले जाइल्स रिटायर हुए तो उन्होंने इंग्लैंड में अपनी जगह और पुख्ता की, और सचिन द्रविड़ जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को काफी परेशान किया। माउंटी ने मैच दर मैच काफी इम्प्रूव किया और एक सुनहरा करियर उनके सामने था, लेकिन उनकी शराब की लत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 2013 में ब्राइटन क्लब में उनकी गलती ने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया, जब उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में क्लब के डोरमैन बाउंसर्स पर उन्होंने पेशाब कर दिया, जिसके बाद इंग्लैंड बोर्ड ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। उनकी शराब की बुरी आदत ने उनके अच्छे खासे करियर की लंका लगा दी। जब भी कभी पियक्कड़ क्रिकेटर्स की लिस्ट बनेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर कोच रवि शास्त्री का नाम उसमें ना आए। शास्त्री को अल्कोहल का बहुत शौक है और ये बात इस कमेंटेटर ने कई इंटरव्यू में भी एडमिट की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अंडर 19 के दिनों से ही शास्त्री बियर पी रहे हैं और उन्हें अपनी आदत से कोई तकलीफ नहीं है। हद तो तब हो गई जब 2018 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शास्त्री टीम बस से बाहर निकलते समय बियर पीते साफ दिखाई दिए थे, और पिछले साल जब भारत ने इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हराया तो ऋषभ पंत शास्त्री को शराब की बोतल देते हुए दिखाई दिए। शास्त्री बड़े बड़े पियक्कड़ों में गिने जाते हैं। जब भी क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों और सर्वश्रेष्ठ कप्तानों की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड रिकी पोंटिंग का नाम उनमें नंबर एक पर आएगा। पुल शॉट के पायोनियर और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बैकबोन रे पोंटिंग लगातार 3 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम का फोकल पॉइंट थे। लेकिन कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। रिकी को शराब पीने की बुरी आदत थी जिसके चलते उन्हें काफी गुस्सा भी आया करता, और कई बार डिसिप्लिन इश्यूज के चलते उन्हें कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक थी 1999 में इंग्लैंड से हारने के बाद खूब शराब पीकर नशे में चूर पोंटिंग की एक व्यक्ति से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उन्हें ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। कितनी दुख की बात है कि इतना बड़ा खिलाड़ी भी शराब की लत से बच नहीं पाया। जेसी राइडर न्यूजीलैंड के वो डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर थे जो अकेले अपने दम पर बड़े से बड़े बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया करते थे। न्यूजीलैंड के बेहद खूंखार इस बल्लेबाज का बल्ला एक बार चलता तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी एक बुरी आदत ने उनका करियर बुरी तरह से तबाह कर दिया था, वो थी शराब की लत। जेसी का चमकता दमकता करियर उनके सामने था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने करियर का गला शराब के चलते घोट दिया। अगर उन्होंने अपनी आदत में सुधार किया होता तो न्यूजीलैंड के एक बड़े खिलाड़ी हो सकते थे, उनकी गिनती भी लीजेंड्स में हो सकती थी। कई बार देर रात तक पार्टी करने की वजह से जेसी अगले दिन मैच नहीं खेल पाते थे, और 2013 में तो देर रात पार्टी करने के बाद उन पर दारू के नशे में एक जानलेवा हमला भी हो गया, जिसके चलते वो 56 घंटों तक कोमा में रहे। जेसी राइडर पर अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इनकी लाइफ पर हमने एक पूरी वीडियो नर टीवी के यूट्यूब चैनल पर की है, वहाँ जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के वो स्तंभ थे जो अपनी जोरदार ताबड़तोड़ बैटिंग से मैच का रुख पलट दिया करते। अपनी पावरफुल बैटिंग से सबका दिल जीतने वाले साइमंड्स गेंदबाजों को नाइटमेयर दिया करते। जब भी कोलैप्स होते तो साइमंड्स अपने अटैकिंग गेम से बाजी बदल देते। ऑस्ट्रेलिया के 2003-07 के वर्ल्ड कप जीतने में उन्होंने अहम योगदान दिया, लेकिन उन्हें शराब पीने की बुरी आदत थी जिसके चलते उनका सब कुछ लुट गया। ये शराब ही था जिसके चलते उनके कई डिसिप्लिनरी इश्यूज भी हुए, लेकिन हद तो तब हो गई जब 2009 में साइमंड्स ने खूब शराब पी ली थी और फिर वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवर सेलिब्रेट कर दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया और फिर वो दोबारा कभी टीम में वापसी नहीं कर सके। तो दोस्तों, ये थे वो क्रिकेट के नामी टैलेंटेड मगर पियक्कड़ खिलाड़ी जिन्हें शराब की बुरी लत थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्रिस्पी वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें क्रिक माइंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।